तो दोस्तों आज देख सकते हैं लेके आए हैं रियलमी की तरफ से एक नया फोन लॉन्च हुआ है, रियलमी 11X। जी हाँ, 5G फोन है ये। तो आज इसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग की क्या बात करें तो अनबॉक्सिंग में आपको पता ही है कि वही सब मिलेगा आपको। आपको एक देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट केस दिया हुआ है यहाँ पे, नॉर्मल सा एक कुछ मैनुअल गाइड्स वगैरह दिए हुए हैं और एक सिम एजेक्टेड टूल, जी हाँ, जो सिम वाला पिन होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रही बॉक्स की बात, अब करते हैं फोन की बात। तो देख सकते हैं फोन का कुछ फर्स्ट लुक जो है, फर्स्ट इन हैंड जो लुक है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें फोन में तो फोन में जो पीछे साइड में देख सकते हैं कैमरा बहुत ही बड़ा सा कर दिया है, जैसे लग रहा है कि उल्लू को आपने देखा ही होगा, आउल जिसको बोलते हैं, आपने आउल को तो देखा ही होगा, उसके तरह ही देख सकते हैं डिजाइन दिया हुआ है, दो बड़े बड़े आईज दिया हुआ है यहाँ पे, मुंह दिया हुआ है। तो देख सकते हैं पीछे साइड में जो कैमरा दिया हुआ है वो 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, और ये जो साइड में एक कैमरा दिया हुआ है वो 2 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे साइड में आपको देखने को मिल जाएगा आपको एक LED फ्लैश लाइट, जी हाँ, LED फ्लैश लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर ओवरऑल बात करें पीछे लुक की, तो पीछे जो है प्लास्टिक डिजाइन दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही गजब का डिजाइन दिया हुआ है, हल्का पर्पल कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। इसका और एक वेरिएंट आता है जो ब्लैक कलर में आता है, और इसका जो देख सकते हैं दो वेरिएंट आता है, एक आपको जो मिल जाएगा वो 6GB प्लस 128GB का मेमोरी मिल जाएगा, और एक जो वेरिएंट आता है वो 8GB और 128GB का मेमोरी मिल जाएगा। बात करें इसके प्राइस की, तो जो 6GB वाला है वो आपको 15,000 और जो 8GB वाला है वो आपको 16,000 में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है। तो ओवरऑल बात करें पीछे साइड की, तो पीछे साइड में आपको जो फिनिश डिजाइन देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ही कूल लगता है, लेकिन जो कैमरा का जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे दिया है, बहुत ही अजीब सा देखने में लग रहा है, इससे पहले कभी इतना बड़ा कैमरा देखा नहीं है। नीचे साइड में बात करें तो नीचे साइड में देख सकते हैं आपको एक ही स्पीकर देखने को मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा इसका डाउनफॉल लगा, क्योंकि स्पीकर इसमें 15,000 रुपये के रेंज में आपको कम से कम 2 स्पीकर तो देना ही चाहिए। एक स्पीकर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टाइप सी केबल आप लगा सकते हैं, आपको एक माइक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक जो 3.5 का जो जैक है आप हेडफोन वगैरह इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऊपर साइड में भी आप देख सकते हैं, तो ऊपर साइड में भी आपको एक माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साइड में की बात करें तो देख सकते हैं साइड में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन डाउन बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस साइड में बात करें तो इस साइड में आप सिम वगैरह लगा सकते हैं, इसमें आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड जो बताऊं वो 2TB तक का सपोर्टेड है, लेकिन 2TB बहुत महंगा आता है, उतना लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप 128GB का मेमोरी इसमें ऑलरेडी आपको मिल चुका है। बात करें बैटरी की, तो इसमें 5000mAh का बैटरी दिया हुआ है, 33W का चार्जर दिया हुआ है विद टाइप सी केबल, जी हाँ, 33W का चार्जर विद टाइप सी केबल आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले फोन को स्टार्ट करते हैं, तो देख सकते हैं डिस्प्ले जो दिया हुआ है इसमें 6.72 का इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल HD प्लस सपोर्टेड है, फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया हुआ है। AMOLED रहता तो और थोड़ा अच्छा लगता मुझे, ठीक है। कि ब्राइटनेस की बात करें तो इंडोर और आउटडोर दोनों में ही डिस्प्ले का ब्राइटनेस सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ठीक है। बात करते हैं इसमें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में जो दिया हुआ है वो 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दिया हुआ है, देख सकते हैं। मैं आपको फ्रंट और बैक का कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करके आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये रहे कुछ, देख सकते हैं ये आपको पोर्ट्रेट मोड वाला कैमरा दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में सेल्फी वगैरह लिया हुआ है, मतलब देख सकते हैं काला आदमी को भी गोरा कर दे रहा, देख सकते हैं मैं थोड़ा सा काला हूँ, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा काला हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसमें गोरा पूरा जो टोन है, स्किन टोन है, वो बहुत ज़्यादा गोरा कर दे रहा है। तो देख सकते हैं रियलमी में ये तो खासियत आपको पता ही है, रियलमी वगैरह कैमरा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कैमरा क्वालिटी भी मुझे इसका अच्छा लगा। बात करते हैं इसमें जो देख सकते हैं एक्स्ट्रा आप ऐप्स वगैरह बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें आपको एड्स वगैरह देखने को उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एड्स फ्री यहाँ पे दिया हुआ है, और लेकिन जो ऐप्स है वो बहुत सारे भरे हुए हैं, तो इसको आप चाहे तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। बात करते हैं इसमें 5G है, 5G जो दिया हुआ है वो 9 5G बैंड सपोर्टेड इसमें दिया हुआ है, तो 5G बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलता है, बहुत ही अच्छा स्मूथ काम करता है, नेटवर्क वगैरह अच्छा पकड़ता है। और उसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की, बात करें तो इसमें 16 मिलियन से भी ज़्यादा आपको कलर्स देखने को मिलेगा। कलर का देख सकते हैं यहाँ पे, जो मैं एक वीडियो चलाया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर भी इसका डिस्प्ले का बहुत ही अच्छा है, फुल HD प्लस होने के बावजूद भी डिस्प्ले का क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है। फोन बहुत ही ज़्यादा थिम है, यहाँ पे 7.89 का थिकनेस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस फोन में। और बात करते हैं इसमें स्पीकर का, मुझे थोड़ा सा डाउनफॉल लगा, क्योंकि स्पीकर एक ही दिया हुआ है, तो साउंड जो है लाउड तो है, बट जो है क्वालिटी उतना खास मुझे इसका स्पीकर का साउंड नहीं लगा। हाँ, डिस्प्ले में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, जो कि डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा स्मूथ काम करता है। यहाँ पे गेमिंग वगैरह आप करते हैं तो Ultra HD में आपको यूज़ नहीं होगा, अगर आप स्मूथ गेम खेलना चाहते हैं तो आराम से आप नॉर्मल मीडियम मोड में आप आराम से BGMI वगैरह खेल सकते हैं, और भी कोई भी गेम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब मेन बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसमें आपको नया प्रोसेसर दिया हुआ है, 6100 का यहाँ पे प्रोसेसर प्लस का दिया हुआ है, जो कि T वर्जन, जी हाँ, जो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था उसका भी मैंने T वर्जन ही इसका प्रोसेसर दिया हुआ है।
एंड्रॉयड 13 पे ये वर्क करता है। ओवरऑल बात करें फ़ोन लैग वगैरह नहीं करता है, अगर मल्टी फंक्शन आप यूज़ करते हैं तो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ काम करता है। ठीक है, गेम वगैरह की बात करें तो गेम वगैरह अगर आप 2-3, 2.5 घंटे, 4 घंटे खेलते हैं तो हल्का सा हीटिंग इशू आता है मुझे, क्योंकि मैंने जब इसको गेम वगैरह खेला तो मुझे थोड़ा बहुत इशू आया हीटिंग का। ठीक है, लेकिन गेम वगैरह लैग वगैरह नहीं किया। पिक्सल्स की बात करें तो देख सकते हैं पिक्सल्स भी इसका बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 2400x1800 का पिक्सल आपको देखने को मिल जाएगा। कॉल रिकॉर्डिंग भी आप इसमें इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपको प्ले स्टोर से ओ डायलर ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप आराम से इजीली कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें जो वीडियो क्वालिटी की, तो आप अगर वीडियो क्वालिटी आप इसमें अगर 720 पिक्सल का आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो 120 FPS तक का आप रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। देख सकते वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको चला के दिखाता हूं, तो ये देख सकते वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा मुझे शानदार लगा। पोर्ट्रेट मोड वगैरह भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जो 64 MP का अलग से कैमरा दिया वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। 10x तक का जूम आपको दिया हुआ है, मतलब फ़ोन बताऊँ फुल बजट फ़ोन है। लेकिन स्पीकर वगैरह बताऊँ तो स्पीकर अगर डिस्प्ले वगैरह एमोलेड मिल जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। अब मैं बात करता हूँ फ़ोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो देख सकते हैं आप अगर बजट फ़ोन में गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आराम से इसको नॉर्मल यूज़ के लिए आप इसको ईजिली ले सकते हैं। हैवी गेमिंग वगैरह करते हैं तो मैं आपको बोलूँगा प्रेफर करूँगा कि ये फ़ोन ना ही ले, क्योंकि ये हैवी गेमिंग के लिए नहीं है। और डिस्प्ले वगैरह की क्वालिटी भी आपको मूवीज़ वगैरह आप जब देखते हैं तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप भी बात करूँ तो आराम से ईजिली एक दिन आराम से चल जाता है, अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो एक दिन नॉर्मली चल जाता है। 5000 mAh का बैटरी दिया हुआ है। और यहां पे बात करें तो अगर आप फोन वगैरह यूज नहीं करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1-2% जो बैटरी है आपका रात में ट्रेन करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये फोन लेना है तो आप परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट से। आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।